कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया है। तो सरकार ने निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी और अब इसको मंजूरी मिल गई है। निर्वाचन आयोग ने पत्र लिखकर सूचना दी है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ को सूचना दी गई है। अनुमति के बाद राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी होंगे। तो बड़ी सौगात ये कर्मचारियों के लिए रहेगी। और देखिए चुनाव हो चुके हैं और चुनाव के बाद देखिए ये बड़ा फैसला सामने आया। दरअसल आपको बता दी कि अनुमति इसके लिए मांगी गई थी निर्वाचन आयोग की ओर से और अब इसको अनुमति मिल गई है। महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जाएगा और अब केंद्र के समान यानी कि केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनके समान अब प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, ये बड़ी सौगात है, वोटिंग के बाद इसके लिए अनुमति मांगी गई थी, अब केंद्र सरकार के जो कर्मचारी उनके समान प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा? बिल्कुल, देखिए आचार संहिता अभी भी लागू है, प्रभावी है। हालांकि चुनाव हो गए लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता, सरकार बन नहीं जाती, तब तक आचार संहिता प्रभावी रहती है। इसलिए सरकार सीधे तौर पर महंगाई भत्ता भी नहीं बढ़ा सकती। इसके लिए सरकार ने पहले भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था कि हम महंगाई भत्ता बढ़ाना चाहते हैं और ये कर्मचारियों का हक है। और वैसे भी देखिए छत्तीसगढ़ में केंद्रीय कर्मचारियों से महंगाई भत्ता यहाँ के कर्मचारियों को 4% कम था। अब उस 4% को बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को पत्र सरकार ने लिखा था। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अनुमति जो यहाँ पर सीईओ है रीना बाबा साहब कंगाले सीनियर आईएएस अधिकारी है, भारत निर्वाचन आयोग की छत्तीसगढ़ हेड है, उनके पास इसकी अनुमति का लेटर आ चुका है। राज्य सरकार के पास वो जारी हो रहा है। उसके बाद राज्य सरकार कभी भी 4% महंगाई भत्ता और बढ़ाने का आदेश जारी कर सकती है। मतलब बेहद साफ है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों जितना महंगाई भत्ता अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी मिलने जा रहा है। बिल्कुल, और ये बड़ी सौगात रहेगी कर्मचारियों के लिए क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग भी की जा रही थी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।